गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष बिफोर यू। आज के इस वीडियो सेशन में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास सिक्स कंप्यूटर का चैप्टर टू, और इस चैप्टर में हम लोग वेरियस टॉपिक्स को देखेंगे। रिप्लेसिंग द टेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, देन कॉलम्स के बारे में समझेंगे, एंड देन वर्किंग विद कॉलम्स के बारे में समझेंगे, एंड फोर नंबर ड्रॉप कैप एंड फाइव नंबर इंसर्टिंग ड्रॉप कैप इसके बारे में समझेंगे। तो आइए वन बाई वन जो है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिप्लेसिंग द टेक्स्ट मीन्स होता क्या है, मीन्स डॉक्यूमेंट मीन्स जो किसी टेक्स्ट को अगर हमें रिप्लेस करना है, जैसे हमें द के जगह पे जो है ए का यूज़ करना है, तो मुझे यह रिप्लेस करना है, तो इसके लिए जो है आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं होम टैब से फाइंड आउट करके। और नेक्स्ट है कॉलम्स। कॉलम से हमें क्या समझ में आता है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मैगजीन्स रीड करते हैं, तो एक ही डॉक्यूमेंट में जो है इस तरीके का जो है ना उसमें प्रिंट किया हुआ रहता है, तो मल्टीपल कॉलम्स में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉलम्स फीचर्स के साथ। और नेक्स्ट है वर्किंग विद कॉलम्स। वर्किंग विद कॉलम्स मीन्स कहने का मतलब कॉलम्स को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसको अप्लाई करने का तरीका मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जो कि लैब का या वीडियो होगा, और इससे आप लोग जान जाएंगे। और नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है, एक लार्ज कैपिटल लेटर होता है किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, उसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई पैराग्राफ स्टार्ट है, उसका वन जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और उसके सारे जो है इसी चीज में आ जाएंगे, तो इसको जो है ड्रॉप कैप कहते हैं। और नेक्स्ट है इंसर्टिंग ड्रॉप कैप। इंसर्टिंग ड्रॉप कैप दैट मीन्स हमें ड्रॉप कैप को इंसर्ट कैसे करना है, इसके लिए अभी मैं माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज रिप्लेस ऑप्शन। ओके, if you want to use the replace option we have to follow some steps। step 1 click on home tab, hum kahan click karenge to home tab pe click karenge। step 2 replace option from editing group, uske baad jo hai replace option pe click karenge jo editing group mein hota hai। third find and replace dialog box appear, uske baad kya hoga find and replace ka jo dialog box hota hai wo appear ho jayega। step 4 क्लिक ऑन द रिप्लेस टैब एंड इंटर द वर्ड, रिप्लेस टैब पे क्लिक करना है और हमें वर्ड को इंटर करना है। स्टेप 5 इंटर द न्यू वर्ड, स्टेप 5 में क्या करना है न्यू वर्ड को इंटर करना है। एंड स्टेप 6 क्लिक द रिप्लेस बटन टू रिप्लेस, और रिप्लेस बटन पे जो है क्लिक करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। थर्ड फोर एंड फिफ्थ स्टेप्स को जो है थोड़ा और क्लियर समझते हैं। थर्ड नंबर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4 क्लिक ऑन द रिप्लेस टैब एंड इंटर द वर्ड, रिप्लेस टैब पे क्लिक करना है और वर्ड को इंटर करना है। दैट मींस आप जो है वर्ड जब इंटर करेंगे तो वो सारे वर्ड जो है आ जाएंगे, और उसके जगह पे किस वर्ड को जो है आपको रिप्लेस करना है वहाँ पे जो है इंटर द न्यू वर्ड में जो है उस वर्ड को जो है आप टाइप करेंगे, एंड देन रिप्लेस बटन पे जो है क्लिक कर देंगे तो वर्ड्स जो है रिप्लेस हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने पढ़ा रिप्लेसिंग द टेक्स्ट के बारे में, एंड देन कॉलम्स का डेफिनेशन हमने समझा। अब हमें समझना है कि वर्किंग विद कॉलम्स यानी कॉलम्स के साथ हम वर्क कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। स्टेप 1 ओपन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर लेना है। स्टेप 2 सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू अप्लाई, मीन्स टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे आप कॉलम्स को अप्लाई करना चाहते हैं। थर्ड क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब एंड क्लिक ऑन द कॉलम बटन, प्लेस लेआउट पे टैब क्लिक करना है एंड देन कॉलम बटन पे जो है क्लिक करना है। फोर द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी ब्रेक इनटू द नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो भी आप सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट किए रहेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स में जो है डिवाइड हो जाएंगे, या आप डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स कितना उसमें सेलेक्ट किए हैं, कितना किस ऑप्शन का यूज किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इंसर्टिंग ड्रॉप कैप, दैट मीन्स हम ड्रॉप कैप को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं पैराग्राफ में उसके बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा, देन हमें ड्रॉप कैप को ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट ग्रुप से या फिर क्लिक करना होगा। देन थर्ड नंबर चूज द ड्रॉप कैप स्टाइल, ड्रॉप कैप स्टाइल अपीयर हो जाएगा, हम उसे चूज कर लेंगे। फोर नंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ द पैराग्राफ इज कन्वर्टेड टू अ ड्रॉप कैप, जैसे ही हम चूज करेंगे तो जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा ड्रॉप कैप में। थैंक यू।